नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। वक्त हो चला है 100 शहर की खबरों को जान लेने का। ये शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पटना में दरोगा परीक्षा पेपर लीक पर हंगामा हुआ। जेपी गोलंबर के पास किया गया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वोटर कैनल का भी किया गया इस्तेमाल। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। पटना में बीएन कॉलेज के छात्रों ने किया बवाल। निर्दोष छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क जाम। सरस्वती पूजा में बमबाजी के बाद हुई थी गिरफ्तारी। भोजपुर में महज 5 रुपए के खातिर अपराधियों ने दुकानदारों पर सरेआम फायरिंग कर दी। 2 दुकानदार गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर में छात्र नेता को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। पेट्रोल पंप पर खड़ा था युवक। निजी क्लिनिक में चल रहा है इलाज। आरा में आलू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 हथियारबंद अपराधियों ने दुकान में घुसकर आलू व्यवसायी को गोली मार मौत के घाट उतारा। खगड़िया के महेश खुंट बाजार में मोबाइल दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में खेत पटवन के दौरान किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को कब्जे में लेकर के अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पूर्णिया में युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई है। पिता ने लड़की के पिता पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या का आरोप लगाया। पटना में निर्दोष छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा। बीएन कॉलेज के छात्रों ने सड़क जाम कर आगजनी की। सरस्वती पूजा में बमबाजी की घटना का है पूरा मामला। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरएलएसपी ने निशाना साधा। माधव आनंद ने कहा, बिहार में बढ़ गया अपराध। अपराध के डेटा को छिपा रही है सरकार। बिहार में सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटाने और उसके बाद उनकी हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था चरमरा गई। पटना में भी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हंगामा जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान सफाई कर्मचारियों ने राजगीर की सड़कों पर रोषपूर्ण जुलूस निकाला है और नगर पंचायत के कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। लखीसराय में नगर पंचायत बढ़हरिया में काम से हटाने के विरोध में कार्यालय के गेट पर लटकाया पशुओं का शव। मजदूरों ने नगर पंचायत कार्यालय में तालाबंदी करके किया जोरदार प्रदर्शन। गोपालगंज नगर परिषद के सैकड़ों कर्मी 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बाद शहर की प्रमुख सड़कों पर कचरे का ढेर लगा है। मधेपुरा में लंबित वेतन भुगतान को लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय गेट पर हंगामा किया। सफाई कर्मचारियों ने नगर कार्यालय पर जानवर रखकर आगजनी की। दानापुर अनुमंडल अस्पताल के सभी कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी वेतन की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। सिवान में भी निकाय के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। लगातार 3रे दिन हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। शाहीनबाग में गोली चलाने वाले कपिल गुज्जर पर खुलासा, आप कार्यकर्ता होने का शक। जांच में मोबाइल, पुलिस को मिली कई तस्वीर। नफरत की राजनीति पर पीएम मोदी का प्रहार। केजरीवाल को घेरा, कहा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को 8 तारीख देगा जवाब। दिल्ली में तूफानी प्रचार पर अमित शाह, कहा चुनाव में एक तरफ देशभक्त टोली है तो दूसरी तरफ शाहीन बाग की टोली है। दिल्ली में राहुल प्रियंका की पहली साझा रैली। राहुल का पीएम मोदी अमित शाह पर वार, कहा देश को लड़ाने वाले खुद कैसे हो सकते हैं देशभक्त। दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पढ़ाएंगी आम आदमी पार्टी, अब घोषणा पत्र में ऐलान। केजरीवाल ने कहा बीजेपी से बहस को तैयार है लेकिन सीएम उम्मीदवार तो बताएं। कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर हमला, कहा हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं, अभी ओवैसी को भी पढ़ना होगा हनुमान चालीसा। ये एकता की ताकत है। 20% वोट बैंक की गंदी राजनीति की खुदेगी कब्र। कपिल मिश्रा के बाद योगी आदित्यनाथ का केजरीवाल ओवैसी पर वार, कहा अभी तो केजरीवाल ने हनुमान चालीसा शुरू की है, एक दिन ओवैसी भी पढ़ेंगे। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी के बेटे समीर द्विवेदी ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल पर सीधा हमला, कहा अन्ना अन्ना करके सत्ता में आए, अब जिन्ना जिन्ना करने लगे हैं। मंत्री गिरिराज सिंह ने रोजगार पर बहस के लिए राहुल गांधी को खानदान समेत दी चुनौती। पूछा राहुल के पिता नानाजी और दादी पर भी होगी बहस, केवल गेहूं और जौ में फर्क बता दे राहुल गांधी। सीए को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का तीखा बयान। जी मीडिया से बोले सरकार शाहीन बाग को बनाना चाहती है, जालियांवाला बाग तो हम भी हैं तैयार। प्रचार पर बैन हटते हैं अनुराग ठाकुर की जुबान। एक बार फिर शाहीन बाग पे फिसली, कहा 11 तारीख को नतीजे आते आते साफ हो जाएगी सड़क।
जामिया यूनिवर्सिटी में डाला बड़ा टकराव। सीए के समर्थन में नारे लगाते सैकड़ों प्रदर्शनकारी पहुंचे 40 लोग कैंपस में घुसे, पुलिस ने हिरासत में लिया। बंगाल के नादिया में ममता की सीए विरोध रैली, कहा देश से निकाले जाने के डर से ही मर चुके हैं 30 लोग, जब तक न बोलूं कागज मत दिखाना। पाकिस्तान से आए 50 हिंदू परिवारों की गुहार, वीजा की मियाद खत्म होते ही बोले नागरिकता, दो यही मर जाएंगे, नरक में वापस नहीं जाएंगे। पुलिस हिरासत में मौजूद जेएनयू छात्र शर्जील इमाम के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं तार, लैपटॉप में छिपे हैं कई राज, जामिया हिंसा से संबंधित कुछ पोस्टर भी हुए बरामद। मुंबई में शर्जील इमाम के समर्थन में पोस्टर डालने और नारे लगाने की आरोपी उर्वशी चूड़ावाला दो दिन से लापता, मुंबई पुलिस ने राजद्रोह के तहत दर्ज किया है केस। दिल्ली के दंगल में दिख रही है बिहार की सियासी लड़ाई, तेजस्वी ने नीतीश कुमार और अमित शाह पर कसा तंज, एनआरसी को मुद्दा बनाकर बोला हमला। सीए पर हंगामे के बीच एनआरसी पर सरकार का बड़ा बयान, लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा एनआरसी लाने का सरकार का अभी नहीं है कोई प्लान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना वापस लौटे, 3 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 सभाओं को संबोधित किया। रांची में रिम्स के पास तेज प्रताप यादव के समर्थकों की बदसलूकी कैमरे में कैद, मीडिया कर्मियों से की बदतमीजी, स्वास्थ्य में गिरावट के बाद लालू से तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई थी। गांधी पर अनंत हेगड़े के बयान को लेकर लोकसभा में बड़ा हंगामा हुआ, कांग्रेस ने वॉकआउट किया, संसदीय कार्य मंत्री बोले गांधी को मानने वाले तो हम हैं। लव जिहाद की थ्योरी से केंद्र का किनारा, लोकसभा में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा केंद्रीय एजेंसियों की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा बजट पर भ्रम फैलाने वाले नहीं होंगे कामयाब, बोडोलैंड और ब्रू समस्या का हल होना ऐतिहासिक है। एक्शन में आए सीएम हेमंत सोरेन, दुमका में लोगों से की मुलाकात, समस्याओं के समाधान का दिया लोगों को भरोसा। कांग्रेस की सभा में शामिल होने पर प्रदीप यादव हुए तलब, जेवीएम ने 48 घंटे के अंदर मांगा है जवाब, जवाब नहीं देने पर होगा इन पर एक्शन। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 11 फरवरी को सजा का ऐलान, दिल्ली की साकेत कोर्ट में सजा पर सुनवाई पूरी। गुजरात के कच्छ में भिचाऊ गांधीधाम हाईवे पर पलटा तेल का टैंकर, लोगों ने मचाई तेल की लूट, प्लास्टिक के डब्बे, पानी के बर्तन, ड्रम और बाल्टियों में तेल भरकर ले गए घर। कटिहार में मिस्ट्री करंट लगने से बिजली के पोल पर ही जिंदा जल गया और उसका शव सीधे सड़क पर आ गिरा, यह दर्दनाक घटना नगर थाना क्षेत्र के अग्रसेन भवन के पास हुई। भागलपुर कचहरी चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान लोगों की ट्रैफिक पुलिस के साथ झड़प, लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के बिना कोई वजह उनके साथ मारपीट हुई है। समस्तीपुर में युवक की मौत से बवाल, आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर रोसेड़ा मार्ग को बाईपास के पास जाम किया, नगर थाना के पेठिया गाछी की घटना। औरंगाबाद में बाइक की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मदनपुर थाना इलाके के शिवगंज में सड़क पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। गोपालगंज में तेज रफ्तार बाइक ने बीच सड़क पर खड़ी ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, घटना नगर थाना क्षेत्र के आरआर मोड़ स्थित ओवरब्रिज की है। अरवल में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे 2 बाइक सवार परीक्षार्थियों ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 को अस्पताल में किया गया भर्ती। पटना में फल बेचने वाली महिला की मौत पर हंगामा, पीएमसीएच गेट नंबर 2 पर स्थानीय लोगों का हंगामा, सड़क जाम कर स्थानीय लोगों ने आगजनी की। अरवल में कलेर थाना क्षेत्र के बेलाव गांव में मामूली झगड़े में महिला को जिंदा जलाकर मार दिया गया, करीब 8 महीने पहले महिला की शादी हुई। गोपालगंज में एक युवक ने पारिवारिक कलह से तंग आकर जहर खाकर खुदकुशी कर ली कोशिश की, आनन फानन में परिजनों ने किया अस्पताल में भर्ती, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है, घटना नगर थाना के बंजारी चौक की। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल से गंगा में लगाई युवती ने छलांग, स्थानीय नाविकों के तैर कर युवती को पानी से बाहर निकाला गया, फिलहाल युवती अस्पताल में भर्ती, मामला बरारी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल की है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के परोरा स्थित मुख्य बाजार में एक शख्स ट्रांसफार्मर पर चढ़ा और मफलर बांधकर आत्महत्या कर ली, फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस आत्महत्या के वजहों की जांच में जुटी है। बेतिया में आर्मी के जवान के घर पर दबंगों ने हमला बोल दिया, दिन दहाड़े फौजी के घर में तोड़फोड़ कर लूट को अंजाम दिया गया, दबंगों और फौजी के बीच रास्ते को लेकर के सालों से विवाद चल रहा था।
पटना में प्रोफेसर शिवनारायण राम हत्याकांड का खुलासा। पुलिस के मुताबिक छोटे भाई ने ही बड़े भाई का कत्ल किया, इसके लिए 2 लाख की सुपारी भी दी। अवैध संबंधों को हत्या की वजह माना जा रहा है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बड़ी पटन देवी कॉलोनी इलाके में चोरों ने घर को बनाया निशाना। घर का कीमती सामान गहने समेत करीब 6 लाख रुपए की चोरी कर फरार हुए चोर। गोपालगंज में पुलिस के कुख्यात शराब तस्कर धर्मेंद्र यादव और भोला यादव को गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारियों के पास से चोरी की कार और कई दर्जन विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद की गई। सासाराम में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। पोस्ट ऑफिस चौराहा और पुरानी जीटी रोड समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया। नालंदा के धनेश्वर घाट मोहल्ले में पेड़ में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ शरारती बच्चों ने टायर में आग लगाकर पेड़ पर फेंक दिया, जिससे पेड़ में आग लगी। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। मुंगेर में टीएस वर्कर्स यूनियन के चुनाव की मांग को लेकर के एटक ने धरना दिया। धरने में एक भी आईटीसी कर्मी शामिल नहीं हुए थे। भागलपुर म्यूजियम परिसर में ग्राम रक्षा दल की ओर से आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ता अपनी नौकरी को अस्थायीकरण करने सहित कई मांगों को लेकर अनशन पर बैठे। नवादा में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। आलू के बोरे से जब्त 61 कार्टन अंग्रेजी शराब, गाड़ी चालक भी गिरफ्तार हुआ। सुपौल के उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली। 99 बोतल विदेशी शराब और चुल्हाई देसी शराब के साथ 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। रांची में 1 करोड़ की ठगी का खुलासा। फर्जी कंपनी चलाने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ा, रुपया दोगुना करने का देता था झांसा। दुमका में बंद किया गया ग्लाइडर प्रशिक्षण और जॉय राइडिंग। हादसे के बाद लिया गया यह फैसला। दुर्घटना की जांच में जुटी है टीम। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में टेम्पो चोरी की घटनाओं से पुलिस ने किया खुलासा। इसका पुलिस ने मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया और चोरी के 3 ऑटो बरामद भी किए। जमशेदपुर में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। पोटका थाना इलाके में टीम ने देशी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया। मौके से देशी शराब बनाने के सामान भी जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान करीब 10,000 लीटर शराब को नष्ट भी किया गया। बजट के विरोध में कोडरमा में एलआईसी के अधिकारी और कर्मियों ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। आईपीओ के जरिए बजट में एलआईसी का कुछ अंश निजी हाथों में सौंपे जाने एलआईसी कर्मी विरोध कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में मारपीट का वीडियो आया सामने। कुछ लोग एक घर में घुसकर कर रहे मारपीट। मकान में लिंटर डालने पर हुई झड़प। महाराष्ट्र के तारापुर में केमिकल फैक्ट्री में बड़ी आग। फायर ब्रिगेड ने 6 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद। दूर दूर तक धुआं और बदबू। मुंबई में महिला ने गलती से ऑटो में 14 लाख के गहने छोड़े। पुलिस ने ऑटो वाले की पहचान कर महिला को वापस किए उसके गहने। सुपौल जिला जेडीयू कार्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय सम्मेलन। इसमें प्रखंड अध्यक्ष समेत तमाम पार्टी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा। लखीसराय में जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी में दूसरे दिन भी स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। जिला पदाधिकारी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। सुपौल के कटैया माहे में पंचायत भवन में चल रहे भूमि सुधार सर्वे का जायजा लेने प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह पहुंचे। भूमि सुधार के लिए ये पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कामूर के सभी पंचायतों में शिविर लगाकर गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। लाभार्थियों को सहूलियत पहुंचाने के इरादे से लगाए जा रहे शिविर का आयोजन 5 से 15 फरवरी तक होगा। सुपौल जिले के सदर बाजार के राम जानकी ठाकुर बाड़ी में 2 दिवसीय श्याम बसंत महोत्सव का आयोजन, जिसको लेकर मारवाड़ी युवाओं की ओर से जोर शोर से चल रही है तैयारी। हेमंत सोरेन से देवघर की छात्रा नीतू ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से कराया अवगत। मैट्रिक परीक्षा से वंचित रखे जाने की सुनाई थी व्यथा। सीएम ने समस्या के हल का भी दिया भरोसा। बोकारो में 10 फरवरी को करीब 8 लाख बच्चों के एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी और यहां पर दवा है जिसे लेकर के बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर रांची के रिम्स अस्पताल में ओरल कैंसर विभाग में जागरूकता सप्ताह का आयोजन। 4 से 8 फरवरी तक होना है यह आयोजन। हजारीबाग के वेल्स ग्राउंड स्टेडियम में अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। इसमें झारखंड के 4 जिले हिस्सा ले रहे हैं। 8 फरवरी तक चलेगा यह मैच। मोदीनगर में युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन। 3 से 7 फरवरी तक चलने वाले इस राष्ट्रीय एकता शिविर में देशभर के 250 प्रतिभागी हो रहे हैं शामिल। लखनऊ में पीएम मोदी कल करेंगे डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। रोजगार के लिहाज से डिफेंस एक्सपो को सीएम योगी ने बताया अहम। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का जताया आभार। लखनऊ डिफेंस एक्सपो पर आतंक का साया। 11 आतंकी संगठन विघ्न डालने की कोशिश में। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।
कश्मीर पर अभिनेत्री जायरा वसीम का इंस्टाग्राम पर पोस्ट, लिखा आशा और अवसाद के बीच झूम रही है वादी, बंदिशों के बीच चल रही है जिंदगी। पाकिस्तान ने आज फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू कश्मीर के शाहपुर और केरनी सेक्टर में गोलीबारी हुई, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। चीन फिलीपींस के बाद हांगकांग में भी कोरोना वायरस से एक की मौत, नहीं मिल रहा सही इलाज। यूपी के फिरोजाबाद में युवक में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने से हड़कंप, व्यापार के संबंध में चीन गया था 32 साल का इमरान, जांच के लिए हायर सेक्शन भेजा गया। चीन में कोरोना वायरस से 425 से ज्यादा की मौत, अकेले तो वही राज्य में एक दिन में 64 की हुई मौत, मरीजों की संख्या भी बढ़ी। कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए कैमूर प्रशासन सतर्क, जिला मुख्यालय को पीएमसीएच से अटैच कर दिया गया है ताकि अगर कोई मरीज वायरस से इन्फेक्टेड मिले तो उसे तुरंत पीएमसीएच रेफर किया जा सके। वर्षगांठ समारोह के अंतिम दिन निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, पवित्र स्थल और कलशों का आम लोगों ने दर्शन किया। कैंसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बड़ा खुलासा, गरीब देशों में 2040 तक कैंसर में होगा 81% इजाफा। कतर एयरवेज की दोहा से ओमान फ्लाइट पर थाईलैंड की महिला ने दिया बच्चे को जन्म, विमान की कोलकाता में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, निजी अस्पताल में भर्ती महिला। विधु विनोद चोपड़ा की आने वाली फिल्म शिकारा की शूटिंग से जुड़े हर मसले पर पैदा हो रहा है रोमांच, निर्माताओं को सुरक्षा कारणों से श्रीनगर में शूटिंग के लिए दिए गए केवल 2 घंटे। अजय देवगन दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए एक बार फिर तैयार, फिल्म मैदान इसी साल होगी इनकी रिलीज, देवगन ने शेयर किया लोक हिस्सा। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदा। और आइए अब रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा हथियार